आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के मस्नुई स्वरूप का। मस्नुई ग्रह का तात्पर्य है बनावटी ग्रह या दिखावटी ग्रह, यानी कि हमने मान लेना, इमेजिन कर। हम जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो मैथ में जो प्रश्न आता था तो उसके आंसर निकालने के लिए हम संख्या मान लेते थे कि माना के मूल धन 100 रुपये, और उससे आंसर निकल आता। कमाल की बात तो ये मैथमेटिक्स का कमाल है। इसी तरीके से मस्नुई है, इसको मान लेना, मान करके समझना है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह किसी भी स्थान में बैठा है तो आपने ये भी मानना है वहां पर राहु की भी उपस्थिति है और केतु की भी उपस्थिति है। तो राहु केतु क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उस चीज से भी पता लगता है आपको। एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या, अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु और केतु अच्छे बैठे हुए, आपने देखा कि किसी कुंडली में राहु केतु अच्छे बैठे हुए हैं, तो आपने ये मानना है कि यहां शुक्र भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ये बड़ा ट्विस्ट देने वाला मामला हो गया। कल हमने पढ़ा कि शुक्र कई जगह ऐसा होता है जहां अच्छा परिणाम नहीं देता, जैसे कुंडली का छठा भाव बताया आपको, आठवां भाव बताया कि शुक्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। पर आज ये दूसरी बात आ गई कि कुंडली में शुक्र कहीं पर भी बैठा हो और यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु और केतु दोनों अच्छी जगह बैठे तो शुक्र अपना परिणाम देर सवेर अच्छा देगा ही देगा। अब ये शुक्र का परिणाम क्या माने, कैसे माने, हम कैसे समझेंगे एक व्यक्ति की कुंडली में, तो इसको मैरिज लाइफ से समझना थोड़ा आसान रहे। जैसे कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जली हुई मिट्टी या मिट्टी की जली औरत, और उसको पॉजिटिव नहीं पढ़ा, नेगेटिव सेंस में लिया, कि जिसका शुक्र अष्टम में होगा उसके पत्नी का स्वभाव में गड़बड़ मिलेगी आपको। अब गड़बड़ के तो खैर कोई डेफिनेशन नहीं होता, अलग अलग होता है, पर फिर भी ये मानिए कि कुल कुल मिलाकर के वो पुरुष अपनी पत्नी से खुश नहीं होता, उसके स्वभाव को लेकर के, उसके क्रियाकलापों को लेकर के किसी ना किसी रूप में असंतुष्टि का भाव उसके दिमाग में रहता ही। अब ऐसे में ट्विस्ट क्या आता है, अगर उसकी कुंडली में राहु अच्छी जगह बैठ जाए, और राहु अगर अच्छी जगह बैठ जाएगा तो जितनी बात नेगेटिव किताब में लिखी गई है उतनी उसके जीवन में नहीं घटेगी। अब राहु अच्छी जगह कहां बैठता है, राहु तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है, चौथे भाव में अच्छा माना जाता है, छठे भाव में अच्छा माना जाता है, 11वें भाव में अच्छा माना जाता है, तीसरा, चौथा, छठा, 11वां। अब ऑटोमेटिक बात है, अगर राहु अच्छा है कुंडली में
तो केतु एटोमेटिक अच्छा रहेगा, अच्छा ही माना जाए। तो ऐसे में आपने बोलना है कि शुरुआती दौर में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रह सकती है, पत्नी के साथ तनाव रह सकता है, पर एक समय ऐसा आएगा जब पत्नी के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। अब फिर प्रश्न उठता है कि जी कब हो जाएंगे, तो राहु 42वें साल के बाद, यानी जब वो व्यक्ति 42 वर्ष का होगा, तो अचानक से उसके पत्नी के साथ संबंध बड़े प्रेम पूर्वक हो जाएंगे। पत्नी उसको बड़ा सपोर्ट करेगी, जो उससे पहले शत्रुवत व्यवहार कर रही थी उसमें चेंज बड़ा आ जाए, और वो एकदम सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी हो जाएगी उसके साथ। अक्सर जिनका शुक्र अष्टम में होता है, उनकी पत्नी का स्वभाव धार्मिक स्वभाव नहीं होता। कई बार, कई केसेस में धार्मिक स्वभाव नहीं होता, और पुरुष वैसे ही पीड़ित होता है, वो बेचारा धार्मिक बन जाता है, तो उसको धर्म कर्म में उसको सपोर्ट नहीं करती है। पर जैसे ही वो व्यक्ति 48 साल का होगा, उसकी पत्नी धार्मिक हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको शुक्र के 8वें में मना बताया है, अगर ऐसा ही शुक्र 6ठे में हो और राहु केतु अच्छे हो, तो भी यही बात होनी है। अगर शुक्र किसी भी तरीके से परेशानी में हो, राहु केतु अच्छे हो, तो भी यही बात होनी है जो मैंने बताया आपको सूत्र। तो ये बहुत बेहतरीन सूत्र है, अच्छा सूत्र है। इसके माध्यम से आप परीक्षण पाठ को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। पर कौन सी प्रॉब्लम है जो शॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी? प्रॉब्लम वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी जिसमें शुक्र पाप ग्रहों के साथ पीड़ित है। जैसे शुक्र का संबंध राहु के साथ हो जाए, शुक्र राहु का संबंध हो जाए, सूर्य शुक्र का संबंध आ जाए, तो ये प्रॉब्लम्स फिर जल्दी सी शॉर्ट आउट नहीं होती। तनातनी का मामला बना ही रहता है। तो ये मसनू की कहानी थी। अब आप लोग शुक्र से रिलेटेड कल कोई आपके मन में जिज्ञासा रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, पर पर्सनलाइज क्वेश्चंस पे ना ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, आप लोग बहुत सारे आज लोग हमारा सुबह का सेशन नहीं अटेंड कर पाए। आज सुबह हम लोगों ने 11 बजे सेशन किया था, जिन लोगों ने डाउनलोड की थी उनके पास नोटिफिकेशन आया होगा। ये एक दिन का नहीं था, ये चलता रहेगा सिलसिला। तो संडे को सुबह 11 बजे डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पर भी बड़ी अच्छी चर्चा होती है। तो अगर आपके पास समय हो तो जरूर समय निकाल करके आप लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान अलग अलग तरीके से जैसे मिल जाए उतना अच्छा है, और उसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं। मतलब वैदिक ज्योतिष से पूछें, लाल किताब से पूछें, कहीं से भी पूछें, उसमें कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। सर, जो ऐप डाउनलोड किया है उसी में ही सर आ जाएगा वो? जी, उसी में ही लिंक आ जाता है, हाँ, अच्छा, नोटिफिकेशन के साथ। आप अगली बार तैयार रहिएगा, मैं चाहता हूँ कि ये क्लास के सभी स्टूडेंट आए, उसके अंदर कम से कम सुनने को मिलेगा आप लोगों। हाँ किरण जी, नमस्कार सर। नमस्कार।
सर 2 पॉइंट हैं। एक तो आप कल आपने कहा था शुक्र और शनि वन साइड अफेयर, एक मैं वो लाइन समझना चाह रही थी, और एक जुपिटर एंड वीनस यदि किसी घर में इकट्ठे बैठ जाते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है? यस, जुपिटर और वीनस, किरण जी, दोनों एंटी होते हैं वैसे तो, आई थिंक। दोनों का दर्जा एक ही है, ओके दोनों सेम पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो पोस्ट है गुरु की, दोनों गुरु हैं। ये वैसी लड़ाई है जैसी दो प्रोफेसर्स के बीच में होती है, और जब दो प्रोफेसर आपस में लड़ते हैं तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जब सेम टीचर स्टाफ रूम में बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें करते। तीसरा आदमी देखने वाला ये नहीं जान सकता कि एक दूसरे के ये खिलाफ है, और ओपनली कभी भी खिलाफत नहीं करते। जब भी गुरु और शुक्र एक साथ बैठते हैं ये फाइट नहीं करते, दे बिकेम फ्रेंड्स। किसी जब के भी घर ये, में हाँ, एक ही घर में अगर बैठ जाएंगे, दे बिकेम फ्रेंड्स, और बिल्कुल ट्रीट करते हैं फ्रेंड की तरह एक दूसरे को। समस्या ये है कि जब ये अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे की काट करते हैं। ये बिल्कुल उन दो नेताओं की तरह हैं जो मार्केट में आते ही गालियां एक दूसरे को निकाल देते हैं, पर जब साथ मिलते हैं, शादी में मिलते हैं किसी की, तो बड़े गले मिलते हैं, है ना। तो नेता शब्द तो मुझे नहीं यूज करना चाहिए, प्रोफेसर ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये उन प्रोफेसर्स की तरह है। ये एंटी हैं फिलॉसफी के अंदर। शुक्र की फिलॉसफी है जीवन है, आज है, अभी है और इसी क्षण में। ये शुक्र की फिलॉसफी है, जी आज है, अभी है, इसी क्षण में है, जितना जीना है उसको भरपूर तरीके से जी लो, कोई इच्छा शेष नहीं छोड़नी है। जो इच्छाएं अंदर से उठ रही हैं उन इच्छाओं की पूर्ति इस लेवल पे जाके करनी है कि इच्छा ही समाप्त हो जाए। भोग इतना भोगना है कि भोग की लालसा ही समाप्त हो जाए। जैसे किसी को चीनी खाना है तो शुक्र की फिलॉसफी है कि इतनी चीनी खाओ, इतनी चीनी खाओ कि चीनी की तरफ ध्यान भी चला जाए तो एकदम भागो वहां से, कि अरे क्या, बाप रे क्या हो गया। तो ये शुक्र की फिलॉसफी है। शुक्र कहता है यहां से अब तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, राजा भर्तृहरि वाली, कि वो इतने भोग विलास में घुस गए कि उसके बाद क्या हुआ कि उनको भोग से ही विरक्ति हो। कोई व्यक्ति जब भोग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो एक समय आता है कि उसका भोग की तरफ से डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। आपको जो चीज पसंद है वो आप डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दो, वो चीज की कीमत शून्य हो जाएगी एक समय पर आकर। अगर आप रोज हलवा खाना शुरू कर दो तो हलवा की इंपॉर्टेंस आपकी समाप्त हो जाएगी लाइफ से ही, फिर आपको कोई हलवे के नाम पे नहीं बहका सकता। कि कोई आदमी के घर में डेली हलवा बने और फिर उसको कहो आओ चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, वहां हलवा खाने को मिलेगा, वो कहेगा मैंने तो जाना ही नहीं, मैं तो घर जाके राजी नहीं हूं हलवे के नाम पे, तुम जो है मुझे वहां ले जा रहे हो। ये किरण जी शुक्र की फिलॉसफी। सर, बृहस्पति की फिलॉसफी डिफरेंट है। गुरु कहता है
इच्छाओं का त्याग करो, अगर त्याग बस की बात नहीं है तो उनको कंट्रोल में रखो। शुक्र कहता है कि अगर इच्छाओं को त्याग देंगे या इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो इच्छाएं हमें मारने को तैयार हो जाएंगी, हमें यानी कि हमारे ऊपर ही अटैक कर देंगी और हम भ्रमित हो जाएंगे। तो दो गुरु हैं, दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है, और वो लड़ाई फिलॉसफी की लड़ाई है, वो उनकी आपस की लड़ाई नहीं है। एक तमस के माध्यम से शांति चाहता है, एक सत्व के माध्यम से सभी को सदमार्ग पे रखना चाहता है। बस फर्क इतना ही है। समस्या इनकी ये जब होती है जब एक कुंडली में दोनों अलग अलग जगह बैठे होते हैं, तो ये अपना रूप पूरा पूरा प्रदर्शन करते हैं। शुक्र अपने अंदर लष्ट पैदा करता है, और शुक्र लष्ट इसलिए पैदा करता है ताकि इस लष्ट की पूर्ति करने के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा की ओर चल सके। और बृहस्पति कहता है, भाई साहब इसकी तरफ मुड़ के ही मत देखो, इसकी तरफ देखोगे तो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो बृहस्पति क्या करता है, बृहस्पति गुरु जो है शब्द रूपी ब्रह्म, जो ब्रह्मांड में सबसे जो ताकतवर चीज है वो आपका शब्द है, इसलिए इसमें बहुत जबरदस्त शक्तियां समाई हुई। जो बृहस्पति है वो शब्द रूप है, इसलिए गुरु के पास जाते हो तो तुम्हें वो गुरु मंत्र देता है, और गुरु मंत्र क्या है, एक शब्द है, और शब्द क्या है, एक ध्वनि है, एक साउंड है, और साउंड की अपनी एक एनर्जी है। वो ध्वनि के द्वारा आपकी इच्छाओं का ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। उनका काम करने का तरीका डिफरेंट। शुक्र रूप तत्व है, जिसे आप इमेज कह सकते, जिसे आप फोटो कह सकते, जिसे आप तस्वीर कह सकते, यानी जो आप फिल्म देखते हो उस फिल्म में हीरो हीरोइन और जो सब किरदार दिखते हैं जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, वो शुक्र का रूप, और जो डायलॉग चल रहे हैं वो बृहस्पति का रूप। दोनों ही हमारे जीवन में जरूरी है। आध्यात्मिक यात्रा में जितना गुरु का महत्व है उतना ही महत्व शुक्र का भी। इसीलिए सनातन धर्मी मूर्ति पूजक है, मूर्ति की पूजा करते, तस्वीर की पूजा करता है, पेंटिंग की पूजा करता है, वो पत्थर को भी जब पूजता है जब उसकी मूर्ति बना देता है। इसलिए हिंदू हर चीज में रूप की तलाश करता है, और ये रूप, ये मूर्ति, ये चित्र, ये ही शुक्र है। आप यूं भी कह सकते हो कि आपने जो अपने घर में तस्वीरें रख रखी हैं पूजा स्थान में, वो ही शुक्र का रूप है। इसीलिए गृहस्थ साधकों को तस्वीरें रख करके पूजा करने की आदेश दिया गया है, सन्यासियों को नहीं है मूर्ति पूजा करने का आदेश। उनको तो है कि तुम्हें रूप की पूजा नहीं करनी, आपको गुण की पूजा करनी, नाम जप की पूजा करनी। इसलिए सन्यासी जो है जंगल में बैठ के मंत्र जाप करता है और उसके सामने कोई मूर्ति तस्वीर कुछ नहीं होती, वो माला रख के बैठता है। जब उसकी प्रोग्रेस होती है आध्यात्मिक यात्रा में तो माला छूट जाती है, नाम जप रह जाता है, फिर और आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, नाम जप छूट जाता है, केवल ब्रह्मांड ब्रह्म का केवल दर्शन रह जाता है शेष, और एक समय आता है कि वो
ईश्वर के अंदर ही पूर्णतया समर्पित हो जाता है, पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है। तो ये गुरु का और शुक्र का खेल है। तो दोनों के दोनों ग्रह इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी करनी है वो शुक्र को सब साइड में नहीं लगा सकते। एक शुक्र बहुत सालों से एक ऐसा ग्रह रहा है जो सबसे ज्यादा बदनाम रहा, जिसको केवल एक ही तरह से देखा जाता है कि अरे तो केवल जो है ओनली फॉर रिलेशनशिप, बट इन नॉट ओनली फॉर रिलेशंस, ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक अहम पार्ट। इसके बगैर स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल ही नहीं है, गृहस्थ साधकों की तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो शुक्र की पूजा ऑटोमेटिक कर रहे हैं। इसलिए लालाओं को, जो सेठ लोग होते हैं, लाला लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनको गुरु आदेश देता है कि तुम मूर्ति रखो, विष्णु जी की पूजा करनी है विष्णु जी की मूर्ति रखो। फिर वो और लालच देते कि अरे सोने की रखो, तुम लाला हो, गोल्ड की विष्णु जी की रखो। क्यों कहा ये गोल्ड की विष्णु जी की रखो, लक्ष्मी जी रखो गोल्ड की रखो, क्यों कहा? सोचिए आप, गोल्ड कीमती धातु है। अब लाला जी का अट्रैक्शन वैसे ही सोने की तरफ वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। वो 4 बार दिन में दर्शन करेगा, जहां 1 बार करने कि है कि नहीं, बैठेंगे नहीं बैठे। अब इसको, ये तो मजाक की बात है। और गोल्ड में बृहस्पति का वास, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों मिल गए, और बृहस्पति शुक्र जब मिले तो झगड़ा खत्म। पर अगर इसी पॉइंट को हम मैरिज लाइफ के उसके देखेंगे तो मामला गड़बड़े। पति ज्यादा फिलॉसफी झाड़ जाए ये पत्नी को नहीं भाता। एक स्त्री को मूर्ख प्रेमी ज्यादा पसंद आता है, जिसके दिमाग में फिलोसफिकल बातें नहीं होनी चाहिए, गहरी गहरी बातें नहीं होनी चाहिए। वो पुरुष ज्यादा प्रिय है जो उसकी तारीफ करना जानता, वो ज्यादा प्रिय है। अब यहां शुक्र को तारीफ करनी बहुत अच्छी आती है, कमाल की बात तो ये, शुक्र जितना तारीफ अच्छी तरीके से कर सकता और कोई नहीं कर सकता। समस्या तो गुरुजी के साथ हो गई। अब गुरुजी अगर शुक्र के साथ बैठेंगे वो तारीफ कैसे करेंगे? अब स्त्री सज धज के आएगी, वो कहेगी करो मेरी तारीफ, गुरुजी कहेंगे अरे गुणों की पूजा होती है भाई, गुणवान बनो, कुछ सीखो, कुछ ये करो, संस्कारी बनो, फलाना बनो, वो लेक्चर शुरू कर देगा तो मूड खराब श्रीमती जी का। ये समस्या है गुरु शुक्र के मिलन से, जब भी एक भाव में बैठते। इट्स वेरी गुड फॉर द एजुकेशन, इट्स वेरी गुड फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी, बट इट्स नॉट गुड फॉर द हैप्पी मैरिज लाइफ। तो एक ही युति अलग अलग पॉइंटों से अलग अलग रिजल्ट दे, और ज्योतिष में हम सब युति को एक ही अर्थ निकाल के बैठ जाते हैं, वही हमारे लिए गर्व। धन कमाने के पर्पज से पूछेंगे तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि व्यक्ति विद्वान है और विद्वान व्यक्ति को तो पैसा कमा ही लेगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इट्स वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सुनीता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। मैं पूछ रही थी कि शुक्र के बुनियाद नहीं देखेंगे कि बुनियाद में कौन ग्रह बैठा सब है, देखेंगे कौन सुनीता जी, सब देखेंगे, वो अब आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मेरा आज क्लास में मकसद है कि शुक्र को समझाओ जी, शुक्र कैसे देखा जाता है उसको समझाओ। बुनियाद मैंने आपको बता दी है, उसका
मदद का ग्रह आपको समझा दिया है, वो सारे सूत्र आप लगा के देखिए, टक्कर का कंसेप्ट आप लगा के देखिए। जी वो गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप कल बताए थे कि दूसरे भाव में राहु बैठता है तो मंदिर में वो दान नहीं लेता है, तो गुरु और राहु दोनों साथ में बैठ जाए तो किसी सुनीता जी, राहु भी। के, राहु के लिए ये नियम नहीं है केवल, ये अच्छा सभी उन ग्रहों के लिए है। सिर्फ ये समझना है कि सेकंड हाउस में ऐसा कोई ग्रह बैठा है जो उस ग्रह का दुश्मन है जिसका आप दान देने जा रहे हो, तो वो दान को देवता तक नहीं पहुंचने देगा। कंसेप्ट ये। अब मान लीजिए अगर सेकंड हाउस में शनि बैठा है किसी भी व्यक्ति के, अब वो सूर्य की दान की वस्तु लेके पहुंच गया मंदिर में, तो दान तो वो दे आया, पर वो सूरज सूर्य देवता तक पहुंचा ही नहीं वो दान। ये लाल किताब की फिलॉसफी है। तो कहते हैं इसको गुरु, मंदिर में ना दे करके इसको किसी और माध्यम से कुछ और करो, गरीबों में दान कर दी। वो कुछ भी, फिर वो ज्योतिषी बताएगा आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो गुरु और राहु दोनों थे तो सारे ये जो ग्रह दोनों के बीच में आ गए, तो फिर मंदिर में कोई दान नहीं होगा। गुरु राहु कैसे, मैं तो कह रहा हूं सेकंड हाउस का देखना है सिर्फ। हाँ सेकंड हाउस में गुरु और राहु होते, गुरु के जो आपका जो भाई ये शत्रु ग्रह वैसे भी है सुनीता उसके। जी, गुरु और राहु जब भी सेकंड हाउस में आ जाते हैं, व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। यानी कि या तो वो दान करेगा ना, तो बड़े अनमने मन से करता है। तो ये चीज जो वैसे ही गड़बड़ी की तरफ इशारा कर देती है। उस व्यक्ति को जिसका भी राहु और गुरु एक साथ होगा, उसको गरीबों को खिला के ज्यादा मजा आएगा, बाहर और काम करके ज्यादा मजा आएगा, तो उसको आनंद का भाव महसूस नहीं होगा मंदिर में दान देने से। समझ गए? और एक जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी चौथा भाव में शुक्र अच्छा होता है आप जैसे बताए, और उसके बाद छठे घर में बुध है तो बुध भी ऊंचे है अपनी जगह पर, तो उस छठे घर में बुध है, और चौथे घर में आपका शुक्र है तो फिर दोनों अपने अपने घर में अच्छे हैं, तो फिर ऐसे तो पीछे शुक्र है तो शुक्र खराब हो गया। शुक्र पीछे कैसे, शुक्र शुक्र चौथे पीछे घर कह में रहे हो कि सुख बुध कह रहे हो? किसको आगे नहीं, बता रहे हो, चौथे किसको पीछे? हाँ, चौथे घर में शुक्र और छठे घर में बुध है तो बुध आगे हो गया ना जी, सुनीता जी। जी, तो वो ही बोले कि बुध भी अपने अच्छे घर में है और शुक्र भी अच्छे घर में है, तो फिर भी शुक्र हाँ, खराब होगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम? इसको ऐसे समझना है कि शुक्र चौथे भाव में आ गया और बुध छठे भाव में आ गया। बुध पावरफुल हो गया और शुक्र चौथे भाव में आ गया है, तो उसको भी अच्छा बता रहे हैं आप, पर ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है सुनीता जी। नियम ये कहता है कि बुध पीछे होना चाहिए शुक्र से। अगर शुक्र पीछे रह गया है, तो यहां पर राहु के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। राहु मद्दा असर देना शुरू कर देता है, राहु के मद्दे असर शुरू हो जाते हैं, वो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है? धन्यवाद गुरु जी। हाँ ममता जी, हाँ गुरु ममता जी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, आज सुबह की क्लास में आपने राहु और चंद्र के विषय में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं चाहती हूँ कि आप राहु और शुक्र के बारे में, उनकी युति के बारे में समझाएं। अच्छा देखिए, जी राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी ये शुक्र के साथ आता जी तो ये कहां कहां गड़बड़ करता है। शुक्र यानी कि आपकी इच्छाएं, आपका डिजायर, किस चीज की डिजायर? भोग की डिजायर, किस संसार में आए हैं, और इस संसार में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं, अच्छी अच्छी चीजें हैं जितनी,
ये शुक्र की फिलॉसफी है, वो मेरे लिए बनी और मुझे उसका भोग करना है। अगर कोई शहर बहुत अच्छा है तो मुझे घूमने जाना है, कोई पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है तो मुझे वहां जाना है, कोई खाना बहुत अच्छा है तो मुझे वो खाना खाना है, कोई वस्त्र बहुत बढ़िया है तो मुझे पहनना है, कोई रत्न बहुत अच्छा है तो मेरे हाथ में होना चाहिए, घड़ी बहुत अच्छी बनी है दुनिया में तो मुझे मेरे हाथ में होनी चाहिए। दैट्स ए वीनस। ये है इच्छा। अब इच्छा तक कोई मामला गड़बड़ नहीं क्योंकि ये ये परमात्मा की देन है। परमात्मा आपको इच्छाओं से युक्त करके भेजता है। अब क्या करें, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, भगवान ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाल के भेज दिया आप, और हम कहें कि ना ना इच्छा मत करो, ये तो बहुत बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। हम सभी पैदाइशी रूप से इच्छाओं से भरे हुए पड़े, तमाम तरह की। अगर हम कहें कि संसार में इतना दुख क्यों है, हम इतने दुखी क्यों हैं, तो उसी का एक ही रीजन है कि इच्छा लेके तो पैदा हो गए, अब इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। जिस भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, वो उतनी ही मात्रा में हताश, निराश, उदास रहता है, खुश नहीं रहता। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, बट राहु क्या है? राहु है अनरियलिस्टिक इच्छाएं। राहु क्या है? अनरियलिस्टिक इच्छाएं। आपने, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं और जो बहुत ज्यादा समाचार सुनते हैं और पॉलिटिशियंस को सुनते हैं, आप जान के हैरान होंगी, वो भी रात को जब सोते हैं तो सुबह तक एमएलए बन चुके होते हैं, एमपी बन चुके होते हैं, कुछ लोग तो संसद में खड़े होकर भाषण भी दे चुके होते हैं सारी रात, और कई तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कई लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं रात रात। ये क्या चीज है? बस इसकी का नाम राहु है। कि हाँ, वो उस फील्ड में भी नहीं है, उन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं करी है, पर वो रात के समय सीएम और पीएम हो जाते अपने सपनों में। अब वो किसी को ये बता दे कि रात को कल मैं सीएम बन गया था हरियाणा का, तो सामने वाला तो हंसेगा ना कि पगला गया है, तेरा तो क्या लेना देना। ये ही राहु की अनरियलिस्टिक इच्छा है। हम सपने में हमारे वही चीजें आती हैं जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती, और अधूरी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं का कारक ग्रह राहु। जब राहु शुक्र का मिलन होता है तो आपकी इन इच्छाओं को वो अनरियलिस्टिक इच्छाओं में बदल देता यही है। अब भोग तो भोगना है, पर उसको ऐसा भोग भोगना है जो दूसरे ना भोगते हो। दैट्स ए वीनस राहु कॉम्बिनेशन। अब ऐसे में आम आदमी के हाथ में क्या है? आम आदमी के पास पैसा हो या ना हो, कुछ कर सके ना कर सके, वो रिलेशन जरूर डेवलप कर लेता है, कहीं भी इमोशनल अटैच हो जाता है। और जब वो इमोशनली अटैच हो जाता है तो फिर वो ये नहीं समझ पाता कि यहां पर मुझे अटैचमेंट दिखानी है कि नहीं दिखानी। ये युति अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप कर देती है, या ऐसे रिलेशन डेवलप कर सकती है जिसे समाज, जिसे कानून, जिसे नैतिकता स्वीकार ना करती। अब ये सिर्फ संभावना है, ये नहीं कि होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये होता है। ये था रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी युति को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर वो फीमेल का चार्ट है तो बहुत संभावना है कि उसको हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसको यूट्रस से रिलेटेड तकलीफें होंगी, उसको गायनी प्रॉब्लम हो सकती है,
उसको किडनी से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं, और कुछ हो ना हो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये उनको रिपीटेडली बार बार होता है। ये हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मानसिक रूप से क्या होता है? मानसिक रूप से व्यक्ति को किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, थोड़े समय के लिए खुश होगा फिर हताश हो जाएगा। उसको आप बढ़िया से बढ़िया खाना दो, ब्रांडेड शोरूम में ले जाओ, ब्रांडेड होटल्स में ले जाओ, वहां बढ़िया से बढ़िया खाना खिला दो, कुछ देर तक ठीक रहेगा, फिर बाद में कह रहे यार मजा नहीं आया, उसमें ये कमी थी, ये था, ये था, ये था, उसके मन से वो चीज गायब, डिटैचमेंट, फिर उसके प्रति ही डिटैचमेंट हो जाएगा, उसके ही नेगेटिव गुण गाने लग जाएगा, ये था महंगा था, फलाना था, स्वाद नहीं था, ये नहीं था, और जब बैठेगा जब कहेगा वाह बहुत बढ़िया मजा आ गया। तो ये जब भी आपको कुंडली देखो तो तीन मुख्य बिंदु रखा करो अपने सामने कि इस युति की या किसी ग्रह का जब आप विश्लेषण कर रहे हो कि मानसिक स्तर पर ये ग्रह क्या असर देगा, शारीरिक स्तर पर क्या असर देगा मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली ये कम्बिनेशन क्या असर देगा। फाइनेंशियली ऐसे लोग बड़े खर्चीले होते हैं, पैसा इनका रुकता नहीं है, इनके साथ कई बार बरकत की समस्या हो जाती है। अगर ये युति कहीं बनी हुई है तो दो ग्रह सिर्फ इस युति से थोड़ा सेफ कर सकते। अगर कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी हो, नंबर एक पॉइंट, तो काफी हद तक बचाव हो जाता है। नंबर दो, बुध अच्छा हो, ये दो ग्रह अगर अच्छे हैं तो फिर भी इंसान बहुत हद तक निस्के नेगेटिव एट्रीब्यूट से बच सकता है। अन्यथा अगर गुरु कमजोर पड़ जाए तो करेक्टर का मामला और भी मामला डावाडोल हो जाता है, और बुध हो जाए तो ऐसा आदमी फिर रुपया पैसा बर्बाद करते देर नहीं लगा, फिर उसके हाथ से चीजें निकल जाती। ठीक है ममता जी, तो ये था शुक्र जी, राहु की तो युति, और क्या चीज समझना है? आपने आपने चंद्र बताए थे, तो इसके भी उपाय बता दीजिए। शुक्र राहु की युति में सबसे पहले गुरु और बुध को मजबूत बनाने का उपाय करना चाहिए, नंबर एक बात, और चंद्रमा को कायम कर देना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी शुक्र खराब असर दे रहा हो और राहु भी खराब असर दे रहा हो एक साथ, बेशक ये युति में ना हो, अगर दो चीज एक साथ दिक्कत दे रही हो किसी भी व्यक्ति को, तो चंद्रमा को सबसे पहले कायम कर दीजिए। कायम करने का मतलब होता है उसको स्थापित कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, चांदी के बर्तनों में खाना दीजिए उसे, रसोई में बैठ के खाना खिलाइए उसे, चावलों को स्थापित कीजिए, उन चावलों को खाइए मत, पूरा एक पैकेट 25-30 किलो का बोरा आप रखिए रसोई में संभाल के। और भी पावरफुल रेमेडी करनी है तो उसमें चांदी की ईंटें 100-100 ग्राम की, 4 ईंटें डाल के रखिए, तो ये सब आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडीज बन जाएगी। जिस पत्नी ज्यादा पावर बढ़ाएंगे चंद्रमा की, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो युति थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि चंद्रमा को मजबूत करने से मतलब यहां पर है अपने मन पर काबू कर। राहु और शुक्र की युति मन को डावाडोल कर देती, मूड स्विंग्स बहुत करती, और उनका मन भटकता ही रहता है, भटकाव की स्थिति बहुत रहती, तो ये चीज है। तो जैसे ये जलाभिषेक करते हैं, उससे भी मन मजबूत होगा। हाँ बिल्कुल होगा ममता जी, डेफिनेटली होता है, जलाभिषेक करने से मन मजबूत होता है,
और जिसका मन जितना कमजोर हो, डावाडोल रहता हो, उसको उतना जोर जोर के मंत्र बोलना चाहिए। देखो, किसी की देखा देखी जाप नहीं करना चाहिए, हर आदमी को अपनी प्रकृति के अनुसार जाप करना चाहिए। जिसका मन चंचल हो ना, उसको जोर जोर से बोलने के लिए मंत्र बोलो। एक जप होता है जिसके वाचिक हाँ जी उपांशु जी मानसिक, जी वाचिक मैंने बोल बोल, हाँ उपांशु जी मैंने शब्द बाहर नहीं निकल रहे पर होठ हिल रहे हैं, वो मानसिक में होठ भी नहीं हिल रहे, शब्द भी नहीं बाहर आ रहे, मन ही मन में। जिनका मन चंचल हो उसको कभी मत कहो कि भाई मानसिक जप करा करो, वो मैं को माला मूला सब फेंक फूक देगा 5-10 मिनट बाद ही, वो आधे घंटे। और बिठा भी दिया डंडे के जोर पे तो छोड़ छाड़ भाग जाएगा, दोबारा नहीं पकड़ में आएगा। वो कहेगा कुछ भी करवा लो, ये सब मत करवाया करो मेरे से, मेरा सिर दर्द होता है, उसको तकलीफें शुरू हो जाए। तो उन्हें बोलिए कि वाचिक वचनों के द्वारा बोल बोल करके, गा गा करके, उनको ऐसी चीज बोले जोर जोर के, उनको आरती कहने के लिए बोलिए, स्तोत्र की बात कीजिए, गणपति अर्थ और शीर्षम का पाठ करवाइए, नमामि शमशान रूपम इस तरह से जोर जोर के कह दे बोलकर। विष्णु सहस्त्र नाम करना है तो कह दे जोर जोर के कर, हनुमान चालीसा करनी तो जोर जोर के करो। तो ये जिनका मन डावाडोल रहता है उनके लिए ये भक्ति ज्यादा अच्छी रहती है। हरे राम हरे कृष्णा वाले जैसे करते हैं ना गा गा के, बहुत बढ़िया जी तरीका है जिनका मन चंचल होता है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हाँ विशाल जी। सर जैसे आपने ये अभी राहु और शुक्र की युति कराई, ऐसे हम लोग सारी युतियां करेंगे ना? क्योंकि कब किस कुंडली में कौन सी आएगी वो अपने को पता नहीं, और ये विशाल जी लॉजिकली बैठती विशाल नहीं जी है। विशाल जी, मैं इसीलिए एक दिन पूरा किसी ग्रह के लिए रखता हूं कि आपको जो भी दिमाग में, देखो मैं बुक से और उससे नहीं पढ़ाता हूं आपको, मैं कई बार कह चुका हूं, और कई बार मैं क्लास ले रहा होता हूँ दिन में तो सामने मेरे लोग बैठे होते हैं, आप हैरान होंगे। तो मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग से जो क्वेश्चन निकल जाएगा वो ज्यादा बेटर निकलेगा। तो आप लोग जो पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। आज मुझे थोड़ी पता था कि मुझे शुक्र राहु की युति करवानी, आज जैसे सुबह सेशन चल रहा था मुझे थोड़ी पता था सामने वाला सामने क्या क्वेश्चन डालेगा। तो जुतियां अगर हम कराएंगे तो उससे कोई खास बेनिफिट होता नहीं इस तरीके से पढ़ाने में, ठीक है ना? तो बहुत सारी बिल्कुल चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम ना के बराबर होता है, और स्टूडेंट अक्सर वो चीज पूछता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में हो रहा होता है या उसकी कुंडली में होता है। सर, लेकिन युतियां तो हर कुंडली में होती है, मतलब जी इन जनरल पाई जाती हैं, तो अब किस कुंडली में कौन सी दो ग्रहों की विशाल युति हो जी वही तो कहता हूं, फिलॉसफी को समझना है। अगर हम युतियों की फिलॉसफी को समझ गए तो हम चीज समझ जाएंगे, वरना तो कम। अगर आप मैथमेटिकली परमुटेशन कम्बिनेशन लगा करके देखेंगे एक युति की, तो कोई भी टीचर कोई भी ज्योतिषी उनको करवा ही नहीं सकता। शुक्र एक ग्रह है, बाकी के 8 ग्रह बचे, 8 ग्रहों के साथ अलग अलग युति बनाइए, कितनी युतियां हो गई। फिर उसमें कोई थर्ड जोड़ दीजिए, फिर कोई उसमें दृष्टि जोड़ दीजिए, अनलिमिटेड। और उसके बोलने का अर्थ भी नहीं रह जाएगा। कमाल की बात तो ये, जो सबसे ज्यादा टिपिकल युति होती है वो हम करवाते ही करवाते हैं, आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो युति बताना बहुत जरूरी। तो सर। फिर युति का मतलब एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब वो जो लॉजिक, जैसे आपने बोला कि ग्रहों का लॉजिक और युति का लॉजिक अगर समझ लेंगे तो हम कोई भी उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, तो वो पढ़ा दीजिए एक किसी क्लास में कि सिर्फ युति ये कैसे नहीं देखें। नहीं विशाल जी, एक क्लास में नहीं होगा। जैसे आज ही बात हुई कि गुरु अगर शुक्र बैठ जाए तो क्या मतलब, जी सर ये एक तरीका सिखाया है कि मैंने एनालिसिस कैसे किया, मैंने गुरु की फिलॉसफी पकड़ी, मैंने शुक्र की फिलॉसफी पकड़ी और एनालिसिस कर दिया।
फिर आप प्रश्न आया कि राहु की और शुक्र की क्या होगा। मैंने शुक्र की फिलॉसफी पहले ही बता दी थी और राहु की फिलॉसफी बता दी, दोनों की युति किस पॉइंट पे क्या असर कर रही है बता दिया। आप किसी भी ग्रह के साथ कहेंगे शुक्र की फिलॉसफी पता चल गई आप कि शुक्र भोग का ग्रह है, भोग की इच्छा से युक्त है, वो आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाना चाहता है आपको, पर वो कहता है पहले यहाँ पे तृप्त हो जाओ। अगर तुम तृप्त नहीं होगे, जब तक तुम खाली नहीं होंगे भोगों से, तुम जब उस यात्रा में चलोगे फिर तुम्हें वो कहोगे मुझे तो वो याद आ गई भाग रहा हूं मैं, तो तुम्हारी जो है जर्नी पूरी नहीं। बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये एक सोचने का तरीका है शुक्र। अब इसी के साथ आप मंगल को शामिल कर दो। अब आपके पास क्या है, मंगल की फिलोसफी। मंगल की फिलोसफी क्या है, येन केन प्रकारेण मुझे चाहिए, तुझे कह रहा हूं या तो मुझे दे दे, नहीं देगा प्यार मोहब्बत से पीट के लूंगा, छीन के लूंगा। चाहिए का मतलब चाहिए मुझे दे दे। मंगल योद्धा है ना, वो रिक्वेस्ट करने में बिलीव ही नहीं करता। अब मंगल शुक्र एक साथ हो गए, अब क्या हो रहा है, इच्छाओं के साथ मंगल आ गए। मार्स अपने आप में डिजायर, किस चीज की, मेरे पास होना चाहिए, मेरे मुझे चाहिए। ये इतने राजा बादशाह इतना कत्लेआम मचाते फिरते थे, वो क्या था, पहली बात उनमें मंगल विद्यमान था, जब ही तो मार काट करते थे, नहीं करते तो कैसे काम। तो मंगल का की फिलॉसफी है कि अगर तुम मुझे प्यार मोहब्बत से नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा, तुम मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, और मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि जो देखने वाले हैं वो उनको भी सबक लग जाए कि देखो मैं करता क्या हूं। वो वन साइडेड, वो एक तरफा काम नहीं करता, वो मल्टीप्लाई काम करता है। वो पीटेगा, इसलिए मंगल प्रधान आदमी कभी भी अंधेरे में नहीं पीट के भागता, वो गली में खींच के लाएगा, घर से बाहर निकालेगा और मोहल्ले के सामने पीटेगा, ताकि उसका टेरर भी बन जाए कि दोबारा मुझे पीटना ना पड़े, इतनी मेहनत मत कराओ, मैं तो एक ही को पीट जाऊंगा, आगे से जब मैं इधर से गुजरूं पूरा मोहल्ला समझ जाए कि कौन आ गया। इसे कहते हैं कि ऐसा सबक सिखाऊंगा लोग याद रखेंगे, ये मंगल की फिलॉसफी। अब मंगल शुक्र की युति हो गई। अब ये मंगल शुक्र की युति कैसे असर पैदा करे, अब इसको फिर मानसिक रूप से देखो तो क्या होगा। मानसिक रूप से देखो तो उसको जो चीज पसंद आएगी वो उसको चाहिए, अब उसको लेने के लिए वो दिन रात एक कर दे। शारीरिक रूप से क्या है, शारीरिक रूप से बड़ा खराब है भाई, आप बेचैन हो उठेंगे कोई चीज अगर नहीं मिली तो, आप में इम्पेशंस आ जाएगा आपके अंदर, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे ब्रेन से। शारीरिक संबंधों के मामले में क्या है, शारीरिक संबंधों में मंगल आपकी ताकत है, आपकी पावर है, भोग को भोगने की ताकत मंगल ही देता है। भोग शुक्र है, भोगने की ताकत मंगल है, और भोगने की इच्छा चंद्र से आती है। इसीलिए तो मैंने शुक्र राहु की युति थी, मैंने कहा पहले तो चंद्रमा को पकड़ो, अगर वो इच्छा ही नहीं करेगा तो फिर वो पंगा क्या कहीं का करेगा, ये लॉजिक है। अगर व्यक्ति में शुक्र की इच्छा तो है, यानी भोगने की इच्छा तो है, पर ताकत नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा। एक आदमी हलवा तो खाना चाह रहा है पर मूंग की दाल का हलवा पचता ही नहीं है उसके अंदर जाकर के, और वो क्या करेगा, पचाने की ताकत ही नहीं, तो उसके किसी काम का नहीं। एक पुरुष स्त्री को के साथ भोगना चाहता पर ताकत नहीं है उसके पास, तो जीरो, कोई फायदा ही नहीं। अगर हम देखें फिजिकल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मंगल शुक्र की युति मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, पर अगर वो कंट्रोल्ड वे में है, यानी कि वो अपना चाल चलन ठीक रखता है,
बाहर नहीं भटकता, अपने मन को नहीं भटकाता, तो विशाल जी ये बेस्ट युति है फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत लंबी आयु तक चलता है, लॉन्जेविटी ऑफ रिलेशनशिप बहुत लंबे चलते हैं। पर अगर वो मामला दाएं बाएं करने लग जाए तो फिर ये युति बहुत ही खराब है, फिर इंसान को भटका देती है। और भटकाने की बात समस्या इसमें है कि ये लोग अति कर जाते हैं, क्योंकि बलपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। जब आप समाज में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करोगे तो आपके दुश्मन भी तो खड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी तो खड़े होंगे, मुकदमे भी तो खड़े होंगे, पुलिस भी तो लगेगी। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसी गलती करने के चांस बन जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मंगल शुक्र की युति को अक्सर ज्योतिषाचार्य नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, पर वो उसका एक पार्ट है, उसके अच्छा बाकी पार्ट को भूल जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो इट्स वेरी गुड, नेगेटिव सेंस में लें तो इट्स वेरी बैड। तो ऐसे में कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्र मंगल की युति में भी चंद्रमा को कंट्रोल में रखना और गुरु की ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही शनि शुक्र की युति है। अब शनि की और शुक्र की युति कैसे करोगे? अब शनि वैराग्य युक्त है, वो कहते हैं इच्छा तो पालनी नहीं। शनि की क्या फिलॉसफी है? खीर खाने की इच्छा कर रही है तो गोबर का उपला रख लो, उसका टुकड़ा तोड़ो, पास ला के देखो, कह दो ये खीर है। अब वो देगा, अरे गाय का खीर है, फेंक देगा। वो कहते हैं बा ऐसा महसूस करो, डिटैचमेंट लेके आओ, अपने अंदर त्याग करो, ये भोग ही दुखों का कारण। शनि की क्या फिलॉसफी है? भोग ही दुखों का कारण, हमें डिटैच रहना है इस संसार में, रहते हुए सबसे डिटैच होना। अब ये युति खराब हो गई, किसके लिए खराब हो गई ये युति? ये युति मैरिज लाइफ के लिए खराब हो गई, क्योंकि शनि तो क्या आदेश दे रहे हैं कि डिटैच। अब वो डिटैच जब जैसे ही कहता है तो वो अपनी पत्नी से भी तो डिटैच होगा, वो बच्चों से भी तो डिटैच होगा, तो हम कहेंगे अच्छा नहीं। पर व्यापार में ये डिटैचमेंट बहुत अच्छी है। खराब व्यापारी क्या, कौन होता है खराब व्यापारी? जो अटैचमेंट रखता है, जो दोस्ती रखता है, वो व्यापारी खराब? क्यों? फिर फायदा नहीं ले पाएगा। अक्सर लोग धंधे में ये गलतियां करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भर लेते हैं और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है अटैचमेंट। धंधे का वसूल कभी भी ऐसे आदमी को धंधे में मत लेके आओ, नौकरी पे मत रखो जिसको तुम निकाल ना सको। अब जो प्रैक्टिकल व्यापारी होगा, एक सेकंड लगाएगा, अच्छा ये आदमी काम नहीं कर रहा, अच्छा 10 दिन की दिहाड़ी फालतू लेगा, अच्छा, नहीं, 10 दिन नहीं देखना, अच्छा बाबूजी कल से मत आ। वो सोचेगा ही नहीं कि इसका 10 दिन में बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं, मतलब। तो ये युति पैसे कमाने के लिए अच्छी हो गई विशाल जी, क्योंकि वो डिटैच है, उसको लेना देना ही नहीं किसी की जिंदगी कैसे चलेगी, रोए मरे हमें क्या लेना देना। तो पैसा ऐसा आदमी कमा जाएगा, बट मैरिज लाइफ में डाउन हो जाएगा। तो ऐसे किसी को जोड़ के आप बना करके देख लो। अगर सूर्य शुक्र की क्या होगा कोई बता दीजिए। अब सागर जी का सूरज शुक्र की सुन लो। सूरज कौन है? सूरज राजा है। शुक्र कौन है? शुक्र रानी नहीं है, शुक्र एक खूबसूरत महिला है जो उसके महल के अंदर। राजा की समस्या है कि राजा झुक करके तारीफ नहीं कर सकता, राजा उसकी चाटुकारिता नहीं कर सकता है, राजा घुटने के बल बैठ करके फूल नहीं दे सकता उसको, ये राजा की मजबूरी है। राजा कहता है ये तो केवल एक है, मेरे महल में 10-20 होनी चाहिए। फिर 10-20 आ गई, राजा कहता है अरे ऐसा कैसे, किसी ने कहा के कान में भर दिया, बोला फलाने राजा के यहाँ तो 30 है। कहता अच्छा 40 लेके आओ।
राजा है। अब जब 30 खूबसूरत महिलाएं होंगी, 40 खूबसूरत महिलाएं होंगी, तो एक खूबसूरत महिला की क्या वैल्यू होगी? नथिंग। राजा सिर्फ रानी को मानता है, और रानी चंद्रमा है, समझो बात। राजा सिर्फ रानी को मानता है, यानी उसकी रेस्पेक्ट तो करेगा पर पैम्पर उसको भी नहीं कर पाता वो, ये भी समझ जाओ। तो यहां पर दुखी कौन? एक सुंदर खूबसूरत महिला की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसकी तारीफ करने वाला व्यक्ति कोई ना हो तो उसका उसको अपना जीवन निरर्थक लगने लग जाता है। सूर्य शुक्र की युति में ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी की झूठी सच्ची तारीफ नहीं कर पाता और उसको नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट सारे याद दिलाता रहता है। आज तूने बर्तन नहीं साफ करे, कल रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, सुबह तूने खाना अच्छा नहीं बनाया था, 3 दिन पहले तूने ये कबाड़ा कर दिया था। वो कहेगी आज की बात करो, तो आज की कोई कमी निकाल के बता देगा। अब वो कह रही है मैं यहाँ पर सच दच के ब्यूटी पार्लर से आई हूँ, वो तो नहीं देख रहा है। वो कह रहा है तुम 500 रुपए खर्च कर आई हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम मेरे को लुटवा रही हो। तो अब ऐसे में मोहब्बत तो होने से रही ना, ऐसे में मोहब्बत होने से रही। अब वो क्या कहेगी? वो कहेगी अच्छा मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। वो दिमाग लगा रहा, अच्छा छोड़ के जा रही हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, 10 दिन बाहर रहेगी, 5,000 रुपये बचेगी। ये एक आम पुरुष की बात बता रहा, मतलब वो राजा नहीं है पर उसके दिमाग में ये जाए कि कोई और होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या फर्क पड़ गया? मैं खूबसूरती के चक्कर में मैंने अपने तारीफे तुरीफे वो सब नहीं कर। मैंने क्या कहा? एक स्त्री को मूर्ख प्रेमी बहुत अच्छा लगता है। जमाना कहिए मूर्खानंद है, पर वो मूर्खानंद जितनी अच्छी तारीफ कर सकता है उतनी एक समझदार विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री की तारीफ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है विद्वानता के साथ, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए प्रोफेसरों की बीवियां, बड़े विद्वानों की बीवियां ये बड़ी दुखी रहती अंदर ही अंदर। बोले ना तो क्या, ठीक है कमा अच्छा रहा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, इसलिए चुप रहती कि गुगु सपोर्ट नहीं करेगा। पर ये बात कहे किससे मन की कि ये पट्टा कभी तारीफ ही नहीं करता मेरी। तो तारीफ ना करना ये सूर्य शुक्र की युति मैरिज लाइफ को खराब कर देती है। और क्या करती है? सूर्य शुक्र की यति युति में पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता एक समय के बाद। सूर्य शुक्र की युति में रिलेशनशिप की तो प्रॉब्लम होती ही होती है, हेल्थ की सिचुएशन खुद की भी खराब हो जाती है, डायबिटीज होने की समस्या, बीपी होने की समस्या, नींद ना आने की समस्या, कई तरह की शारीरिक तकलीफें खुद को भी हो जाती हैं। खुद को क्यों होती है? क्योंकि खुद भी खुश नहीं रहता। सूर्य शुक्र की युति वाला व्यक्ति खुद भी खुश नहीं रहता क्योंकि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं होता। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, परमात्मा ने स्त्री को एक अनुपम उपहार दिया है, एक दिव्य शक्ति महिलाओं में दी है। महिलाओं का जो प्रेम शक्ति है उनके अंदर वो इतनी अद्भुत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। और जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को महिला का प्रेम ना मिले, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, एक पुरुष के लिए स्त्री का प्रेम मिलना निहायत आवश्यक। अगर उसे स्त्री का प्रेम ना मिले तो वो वैसे ही बीमार हो जाता है, उसको वैसे ही बीमारियां घेर ले। पुरुष की बीमारियां का मतलब इसके जीवन में स्त्री का प्रेम नहीं बचा है, या इसको प्रॉपर नहीं मिला, चाहे उसकी माँ की कमी रही, चाहे बहन की कमी रही, चाहे पत्नी की कमी रही, ये चीज समझ लो। और सूर्य और शुक्र की युति में वो अपनी पत्नी से तो खुश ही नहीं है क्योंकि उसका तो दिमाग वहीं पे लगा पड़ा है ना, किसने खर्चा कितना कर दिया, तो और कुछ देख ही नहीं रहा है। अब वो भी उसको प्रेम नहीं करेगी जब बार बार टोकेगा उल्टी सीधी चीजों पे, तो दोनों में क्या होगा, मामला गड़बड़ होगा।
तो सागर साहब, ये सूर्य शुक्र की युति मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है ना। अच्छी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा प्रेमी होना पड़ता है, और अच्छा प्रेमी होने के लिए दिमाग को दरवाजे पे रखना पड़ता है, और फिर जाकर के अच्छा प्रेमी हुआ जा सकता इसमें उपाय किसका करना है सर? है। उपाय ये करना है कि दिल बनाना है। दिल बनाओ, कैसे बनाना है भाई? इसमें गायब क्या हुआ? इसमें दिमाग का उपयोग हो रहा है। इस पूरी पूरे एग्जाम्पल में दिमाग का उपयोग हो रहा है, हार्ट का नहीं हो रहा। तो हार्ट को पावर में लेके आओ और दिमाग को निकाल के साइड में रखो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? खैर, मजाक की बात। सूर्य शुक्र की युति में चंद्र का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा को जितना ज्यादा आप अच्छा बनाएंगे, चंद्रमा आपको उतना ही ज्यादा इमोशनल बनाएगा, और इमोशनल पुरुष जो होता है ना, वो फिर प्रेम में बंधते देर नहीं लगाता, फिर वो बंध जाता है प्रेम से। बेशक वो तारीफ ना करे, फिर भी वो केयर बहुत करता है। तो शुक्र को वो भी जो बहुत पसंद होते हैं, जो उनकी केयर करते हैं। देखो, तारीफ करने वाला पसंद होता है या केयर करने वाला पसंद होता है? और ये दो गुण ना होने से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ये समझ लो। सर आपने शनि को डिटैचमेंट से बताया, सर डिटैचमेंट तो वैसे केतु करता है ना सर, तो नहीं शनि भी नहीं विशाल वैसे। जी, जो केतु की डिटैचमेंट है वो छोड़ छाड़ के भाग जाने की। शनि भागता नहीं है। केतु क्या है? सन्यासी है, साधु है। अब साधु घर में थोड़ी रहेगा, वो तो छोड़ के त्याग के चल देगा। उसका त्याग अलग लेवल का त्याग। शनि का त्याग घर में बैठे बैठे त्यागी है, त्यागी है। और त्यागी आदमी कंजूस होता है, उसकी जरूरतें बहुत कम होती है। ये चीज सर आप जैसे लॉजिक लगाना आ जाए तो फिर क्या बात है सर, फिर तो सीख लिए, लेकिन वो उतना बढ़िया काम अभी कर नहीं रहा। नहीं, लगा के देख लो। जिनके सूर्य शुक्र की युति मिलेगी, जो बात मैंने बताई है वही मिलेगी उनके साथ यही पर। और उनसे मत पूछो, उनकी बीवी से पूछो कि इनके साथ समस्या क्या है, वो तुरंत बताएंगे समस्या यही है जो पंडित जी बता रहे हैं। सर इसका मतलब वीनस और मून सही होते हैं बिल्कुल, जहां हम बार बार चंद्र का उपाय कर रहे हैं, इसका मतलब वीनस और मून की युक्ति अच्छी होती है। ना वो गड़बड़ है। वीनस और मून की युति अच्छी नहीं है, ये मानसिक कई तरह की समस्याएं पैदा कर देती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत देती है। ऐसी ऐसी मानसिक समस्याएं दे देती है, वो पूछो मत, क्या बताऊं, बता भी नहीं पाऊंगा। शुक्र और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं, ये मन को डावाडोल इस तरीके का बनाते हैं कि ऐसा व्यक्ति गुप्त प्रेमी हो जाता है। मतलब सेक्सुअल इच्छाओं के प्रति वो ना तो खुल के अपनी इच्छाओं को प्रकट कर पाता है, ना भोग कर पाता है, पर इच्छाएं बड़ी प्रबल हो जाती। और जब व्यक्ति गुप्त रूप से अपनी इन इच्छाओं की शांति करना चाहता है बिना किसी दूसरे के, तो फिर वो मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाता है, कई तरह के मानसिक रोगों में फंस जाता है। तो ये युति अच्छी नहीं है। पर अगर ऐसा व्यक्ति कलाकार बन जाए, पेंटर बन जाए, कोई क्रिएटिव आर्ट में घुस जाए, तो ये युति बहुत अच्छा काम करती है। ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग बनानी है, कोई क्रिएटिविटी करनी है, तो एक्सीलेंट वर्क करती है। इनकी इमेजिनेशंस उस लेवल पे, कहानियां बड़ी अच्छी लिख सकते हैं लोग। और प्रेम संबंधों की कहानियां तो बस ऐसी गजब की लिखेंगे बस, क्योंकि इनके इमेजिनेशंस में ना ये उल्टी सीधी कहानियां बहुत बढ़िया बढ़िया चलती, और वो ऐसी लिख देंगे जैसे कोई बिल्कुल फिल्म चल रही हो, है ना। तो झूठी सच्ची ऐसी कहानियां इनको बनाने में बड़ा आनंद आएगा, सर एंड देख के, और बहुत अच्छा कर सकते, नो डाउट। जो लस्ट फुल जो स्टोरीज होती हैं, ये उस मामले में बड़े मास्टर हो जाते हैं। पर हाँ, इसको कोई अच्छी
उससे नहीं हम कह सकते कि कोई बहुत बढ़िया युति नहीं बनी, है ना। देखो कुछ ग्रह है ना दूर दूर बहुत अच्छे हैं, पास पास में बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे सूर्य और शुक्र अलग अलग भाव में बने तो सूरज अलग में हो शुक्र अलग में बढ़िया है, साथ आते ही मामला गड़बड़। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के खास मित्र हैं, पर दोनों अगर एक साथ आ जाए तो अमावस्या कर देते हैं। सूरज से चंद्रमा दूर बैठे 180 डिग्री के ऊपर बैठे तो पूर्णिमा हो जाती है, वहीं पास में आते ही अमावस्या हो जाती है। थोड़े से अजीबोगरीब मामला है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे आ जाए।